हेलो गाइज, हो सकता है आप भी रेडमी का फोन यूज कर रहे हो इस टाइम, या फिर अगर आपके पास रेडमी का फोन है तो यहाँ पर बहुत सारी कई बार इशूज आती हैं उस फोन के अंदर, जैसे कि बहुत सारी इशूज आती थी कैमरा के अंदर, या फिर कहें तो यहाँ पर जो भी आपका स्पीकर उसके अंदर, या फिर फोन के परफॉर्मेंस में बैटरी हीटिंग कुछ भी अगर आपके फोन के अंदर आती है जैसे कि छोटी मोटी इशूज, तो आपको डायरेक्टली सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है। बट मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो के बाद आप अपने फोन में जो भी छोटी मोटी इशूज आती हैं उनको चेक कर सकते हो, और हो सकता है तो आप घर पे ही सॉल्व कर सकते हो। एंड दोस्तों, हो सकता है मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले तो घर पे ही पता कर पाओगे कि मेरे फोन में आखिर रेडमी के फोन में ये प्रॉब्लम आ कहां से रही है। सब कुछ चेक करने के बाद उसके बाद आप सर्विस सेंटर ले जाओ या नहीं ले जाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। चलो फोन स्क्रीन पे ले चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से रेडमी के फोन के सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैं अपने रेडमी नोट 7 प्रो के ऊपर आ चुका हूं, जो कि मेरा नोट 7 प्रो है। तो यहां पर अभी आपको क्या करना होता है, सिंपली अगर आपका रेडमी का कोई भी फोन है तो यहां पर आपको सबसे पहले टेस्ट करना होता है अपने फोन का। जैसे मान लीजिए स्पीकर कभी वर्क नहीं करता है, या फिर मान लो कभी फिंगरप्रिंट सेंसर में आपको डाउट है कि काम नहीं कर रहा है, या फिर अगर आपको कैमरे में डाउट है कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल अगर आप एक रेडमी के यूजर हो। तो यहां आपको आपको सिंपली डायलर ओपन करना है। हालांकि ये सब बहुत ज्यादा सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा, बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, डायलर में से ही आप बहुत ही आसानी से यहां पर डायल करके वो सेटिंग खोल सकते हो। तो यहां पर आपको डायल करना है, देख लो डिस्प्ले पे बहुत ही आसानी से **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 
जो कि रेडमी के फ़ोन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेडमी का कोई भी फ़ोन है तो ऐसे ही टाइप करके आप ओपन कर लेना। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ भैया सॉफ्टवेयर वर्जन, यहाँ पर आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। चलिए यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल में आपके जो कंप्यूटर, यहाँ पर EMI नंबर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्जन, TP कलर, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हो सकता है कभी यूज़ में आ जाए, तो इसको भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ सिम टेस्ट आप कर सकते हो, कहीं मेरा सिम वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, आप एक एक करके टेस्ट कर लेना। SD कार्ड यहाँ पर अपना टेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या, की भी टेस्ट करते हो, कोई बटन में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे की मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो 3 दिखा रहा है, यानी कि पहला वाला वॉल्यूम है तो आपको वॉल्यूम वाला प्रेस करना है, यानी सही है तो ग्रीन चल गया। फिर मुझे नीचे वाला कम वाले पर प्रेस करना है, यानी वॉल्यूम कम करने वाले पर, तो उस पर क्लिक किया, चलो सही है बटन, तो ग्रीन जल गया। एंड पावर बटन अब प्रेस करना है, तो देखो मेरी तीनों बटन सही है, तो यहाँ पर मेरा जो टेस्ट है वो पास हो गया है, यानी कि जो मेरा बटन्स हैं वो सारी टेस्ट हो चुकी हैं। तो जैसे आप इस टेस्ट को पार करोगे आपका मोटर टेस्ट आ जाता है, यानी कि वाइब्रेट फोन सही से हो रहा है नहीं, यानी कि आपके अंदर फोन के अंदर जो मोटर लगा हुआ है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, तो इसको भी आप टेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर बस आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो की का मेरा जो टेस्ट है वो पास हो चुका है, सिम का टेस्ट फेल हुआ है बिकॉज मैंने काट दिया था। तो मोटर का टेस्ट कर लेना, LED भी आप टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर टॉर्च पैनल सेल्फ टेस्ट भी आप कर सकते हो, टॉर्च पैनल भी टेस्ट कर सकते हो, कहीं टॉर्च में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कलर वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, 9 वाला जो ऑप्शन मिल जाता है कलर का, आपको आपके स्क्रीन का जो कलर है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहां पर आप देखो क्लिक करना अपने स्क्रीन पर एंड अलग अलग कलर ये दो दो चार चार सेकंड पे चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये फुल्ली बिल्कुल कलर फुल स्क्रीन में भर जा रहा है तो समझ लेना आपका जो फोन है वो बिल्कुल सही है, ओके कर देना। अब ये देखना आप जो टेस्ट है वो हमारा जो है वो ओके हो जाएगा। सो फ्रेंड्स यहां पर आप कलर वाला टेस्ट देख सकते हो, मैंने पास कर लिया है, एक एक करके सारे टेस्ट आप कर लेना। सो फ्रेंड्स यहां पर आपको फेल फेल ऑप्शन दिख रहा होता है, ये क्यों फेल दिख रहा है, बिकॉज यहां पर मैंने जो टेस्टिंग की है वो पूरी अच्छे से नहीं किया है, काट दिया है। तो यहां पर अगर आप टेस्ट करोगे और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो यहां पर आपको प्रॉब्लम लिख के दिखा देगा, बट यहाँ पर मैं बैक आ जा रहा हूँ, काट दे रहा हूँ, इसकी वजह से फेल दिखा रहा है। तो सिंपली ये मत समझ लेना कि फेल दिख रहा है यानी मेरा ये पार्ट खराब है, नहीं। प्ले म्यूजिक बाय स्पीकर, हेडसेट टेस्ट कर सकते हो, माइक स्पीकर को भी टेस्ट कर सकते हो, कहीं माइक स्पीकर जो होता है कई बार खराब हो जाता है तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम आती है कि कैसे आप टेस्ट करें, आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है, तो घर ही भी आप टेस्ट कर सकते हो, कहीं माइक से कोई प्रॉब्लम नहीं। FM चेक कर सकते हो, GPS को भी टेस्ट कर सकते हो, मैग्नेटिक सेंसर जो है वो भी चेक कर सकते हो। आपको ऐसे फ़ोन को घुमाना है तो आपको देख लेना कि मेरे फ़ोन का जो मैग्नेटिक सेंसर है वो कहीं खराब तो नहीं, तो आपको अपने फ़ोन को राउंड करना है चारों तरफ। जैसे आप राउंड करोगे ये देखो मेरा जो पास जो भी मेरा टेस्ट था वो पास हो चुका है। तो इसी तरीके से आप कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज को टेस्ट कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो 22 बैक कैमरे को भी टेस्ट कर सकते हो, मास्टर बैक कैमरा, चार्जर भी आप टेस्ट कर सकते हो, अपने प्लग इन करना है चार्जर को। एंड दोस्तों यहां पर चार्जर टेस्ट पर क्लिक करना है एंड आप उस तरीके से अपने चार्जर को भी टेस्ट कर सकते हो, कहीं चार्जर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब दोस्तों यहीं पर आपको बैटरी कैपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है, यहां से आप अपने बैटरी कैपेसिटी देख सकते हो। यहां पर बैटरी का जो मेरा टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस है, बैटरी लेवल जो है 76% है, तो इस तरीके से बैटरी का टेम्परेचर वगैरह भी आप देख सकते हो जब ज्यादा फोन हीट होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइट सेंसर टेस्ट, OTG, यहां पर इन चार्जर टेस्ट, मास्टर बैक कैमरा, 22 बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा, ट्वाइस बैक कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैटरी, तो मतलब हर एक चीज आप यहां से अपने फोन का जो है अपने मैनुअली टेस्ट कर सकते हो कि कहीं मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। रेडमी के किसी भी फोन में इसी तरीके से आपको करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस कर लेना बेल आइकन भाई, ताकि नए वीडियोस की जानकारी जब भी लाऊं तो आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.